चलना चला गया ना बोने से तंगे कर ले। और सुनाओ। और दवाई खा बैठ जाना। और नो का कोई आराम ही नहीं हो रहा। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे राम राम जी। ले ली दवाई तने पड़ा रे नशांति ता शराबी। ज्योति जी बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू सर। सर इस ज्योति ने आपकी आंखों की ज्योति ढक रखी है। क्या बोला डॉक्टर साहब? कुछ एडवांस चाहिए था। वो मम्मी बोल रही थी कुछ सामान लेना है मेरे लिए। मिल जाएगा मिल जाएगा। मम्मी कितनी अच्छी होती हैं, अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं। सारा एडवांस दहेज में जाएगा। बावली त्रेड। क्या बोला क्या बोला? अरे सर कुछ नहीं, मैं तो अपने आप से बात करने की आदत है। इसको तो एडवांस पे एडवांस दिए जा रहे हो, मेरे बारे में पैसे खत्म हो जाते हैं। दे देंगे दे देंगे। तुम्हारा क्या खर्चा? तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। इसकी तो 4-5 हो चुकी हैं जो इसको एडवांस पे एडवांस पकड़ाए जा रहे हो। तुम्हें क्या पता लड़कियों के कितने खर्चे होते हैं। यही हाल रहा कहीं टिक नहीं पाओगे। यही हाल रहा ताले लग जाएंगे एक दिन। क्या बोला क्या बोला? सर बाहर पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, बुलाऊं क्या? तुम सब का कितना ख्याल रखती हो, बुलाओ बुलाओ। तेरा बटेऊ तो बहुत सुतरा है। ज्योति जी डाल लो इसको, पेशेंट आ रहे हैं प्लीज। ये बुढ़िया तो नहीं तंग कर रहे है। ए रोक ले अपने लोग ने। ए जीजी मैं तो इतने गणी दुखी सू। चुप है। कोई नहीं भाई बैठ जूंगा। देख ले बैठ जा आराम से। कोई नहीं तो मारूंगा तेरे। कोई बात नहीं कोई नहीं बैठी। हॉस्पिटल में भी आके नहीं दिखते। रुक जाओ आप भी। चुप बैठ जाओ यहाँ पे, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। सुन भी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाय बाबा जी क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब। हाँ जी। चलता हूँ तो सांस चढ़ते हैं। हाँ जी। सीढ़ियाँ मुश्किल से चढ़ पाता हूँ। अच्छा। बस धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कमजोरी बहुत है। ये बीमारी नहीं बाबा जी, बुढ़ापा है। बस यही तकलीफ है। ओहो बूढ़ा पूरा ठरकी है। माता जी ठीक हैं? बीमार माता जी थोड़े हैं, मैं हूँ। बाबा जी जो आपके ये हालात रहे ना ठीक वो बिन रहेंगी। क्यों वेंटिलेटर पर पड़े हुए, कैल्शियम की माँ बहन एक करने पे तुले हो? फिर कहते हैं कि बुढ़ापे में गोड्डे जाम हो गए। ग्रीस तो पहले ही खत्म कर लेते हो। एक काम करो, पावर वाले कैप्सूल लिख दो। बाबा वजन करने की उम्र में क्यों पार चढ़ने की कोशिश कर रहे हो? चुप यार। कैसे बोले जा रहा है? कैप्सूल खाने से शरीर में जड़ बनी रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब चलता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। समझा देंगे बाद में। इनका बस चले तो प्रैक्टिकल करके समझा देंगे। मेरा मतलब है डॉक्टर साहब आपको बाद में समझा देंगे, अभी बहुत सारे पेशेंट देखने हैं। कुछ तकलीफ है? नेक्स्ट। किया नमस्ते जी। चल चल। इन्हें क्या तकलीफ है? जी बीमार मेरा बेटा है, हम उसकी रिपोर्ट लेने आए हैं। अच्छा ये कौन है? मैं इसका घरवाला हूँ। आप भी इतना छोटा घरवाला रखते हो जी? के कब आए हो जी? के बताऊं, इन्हें तो कति मेरी जिंदगी खराब कर रखी। नाली पार करानी हो ना गोदी उठाना पड़ा है, और बाजार में तो इसकी उंगली पकड़नी पड़ती होगी। डॉक्टर साहब एक बार मेरे दोस्त को देखना। आप देख नहीं रहे हो, पेशेंट के साथ हूँ मैं। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में बुलाएंगे। बुलाता हूँ। जा मैडम, फिर तो इनके कपड़े बच्चों के साथ भी शेयर होते होंगे। फिर तो बस में भी टिकट आधा लगता होगा। और सीट ना मिले तो गोद में बिठा लेते होंगे। जिसका मियाँ छोटा उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बिठा लो बच्चे का क्या काम है। डॉक्टर साहब हम तो इसने बाहर भी ना जान देते। क्यों? कदी कुत्ते उठा के ले जाए।
फिर इनको पसंद किसने किया? जब मेरी शादी हुई थी मैंने 2 फेरे लिए थे, इनका तो 1 ही पूरा हुआ था। मैडम फिर तो इनको बच्चों वाली साइकिल दी होगी। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे तो भात का लड्डू भी इससे बड़ा होता है। क्या बताऊँ सिस्टर, जब मेरी विदाई हुई थी ना इनके नीचे स्टूल रखना पड़ा था, तब जाके बैलेंस बना था। अच्छा। और तो और कमरे की कुंडी तक भी इनका हाथ नहीं गया। अच्छा, फिर ये ड्राइविंग कैसे करते होंगे? गियर बदलता होगा तो हैंडल छूट जाता होगा। हैंडल पकड़ते होंगे तो फिर गियर फंस जाता होगा। चल डॉक्टर साहब रिपोर्ट दे दो। ये लो जी। ठीक है जी। राम राम। राम राम। नेक्स्ट। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब हमें ना इसको लेडीज डॉक्टर को दिखाना है। वो यहाँ से छोड़कर दूसरे अस्पताल में चली गई है। oh, no. छोड़कर चली गई वो। घबराइए नहीं, मैंने भी 3 महीने वाला दाई का कोर्स किया है। ज्योति लो सर। हाँ जी बोलिए। दिखा दे बेटी दिखा दे, मुझे तो ये डॉक्टर भी जनाना सा लगता है। इन्होंने MBBS किया है। MBBS होता है सानी। मम्मी जी इसके पेट में दर्द है। माता जी जवानी में तो आप बहुत शरारती रहे होंगे। परेशानी तो बताइए। बहू को दर्द है। कहाँ पर? और मेरे को काम करते हुए सांस भी चढ़ते हैं। सांस सबकी चढ़ती है, कॉमन प्रॉब्लम। डॉक्टर मैडम ढंग से देख तो लो। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 4 और 5वें की आस है। फिर सांस तो चढ़ेंगे ही, बच्चे 2 अच्छे। आपके मोहल्ले में आशा वर्कर नहीं आती क्या? आती है। इसकी सहेली है, उसके भी 4 बच्चे हैं। जी पहला जल्दी हो गया था। इकलौता खेलता किसके साथ? अच्छा इसलिए दूसरा। डॉक्टर साहब दोनों लड़ते तो छुटवाता कौन, इसलिए तीसरा चाहिए था जी। पूरा मोहल्ला कम पड़ जाता होगा छुड़ाने में। फिर चौथा किस लिए? बड़े स्कूल चले जाते थे और तीसरा डॉक्टर मैडम तीसरा अकेला रह जाता था। हाँ हाँ फिर तो चौथा बनता है। फिर पांचवा क्यों? 4 का अंक मेरे बेटे के लिए अशुभ है, पंडित जी ने कुंडली देख के बताया था। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो सदके जावा। वाह क्या फैमिली है, क्या फैमिली है। कुछ भी डॉक्टर मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, पांडव भी तो 5 थे। शुक्र है माता जी कि आपको कौरव याद नहीं आए। माता जी मैं दवाई लिख देता हूँ, आप प्लीज बाहर वेट कीजिएगा। जी ठीक है। नेक्स्ट। रख दीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। आओ बैठो जी, क्या समस्या है? डॉक्टर साहब सिर फटने को हो रहा है। अच्छा। पूरे बदन में दर्द है। अच्छा। बीपी की समस्या है। ओके। लग रहा है शुगर भी बढ़ा हुआ। ओहो। सौरव बीपी चेक करो इनका। कर रहा हूँ जी। जल्दी आओ, हालात बहुत खराब लग रहे हैं इनके। और क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर साहब कमरे में अकेला रहूं तो दिल नहीं लगता। आगे? और कोई आवाज दे, कोई बुलाए तो सर फोड़ने को दिल करता है। अच्छा जी, और क्या दिक्कत है?
अकेला रहूं कमरे में, नींद नहीं आती, बेचैनी लगी रहती है। अच्छा जी, कमरे से बाहर जब सबके साथ होते हो तब क्या होता है? खाना देखते ही बहुत भूख लगती अच्छा? है। अच्छा, मिठाई देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। चाउमीन बर्गर खाने को दिल करता है। अच्छा, किसी को पीटने का दिल करता है, घर वालों को छोड़कर। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह डॉक्टर साहब, लड़कियों को घूरने का मन करता है। शाबाश। औरतों को छूने का मन करता है। अबे रुक जा कामदेव, रुक जा रुक जा। आगे अब हम बताते हैं जी। बेड को देखकर नींद आती होगी जी। फुल एसी में ठंड भी लगती होगी। हाँ। गीजर का पानी गर्म लगता होगा। हाँ 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 जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल लगता है। फिर तो आपको पड़ोसन भी अच्छी लगती जी, होगी। बहुत अच्छी मैडम। फ्री के खाने से सुकून मिलता होगा। दुकान का बिल देखकर गुस्सा आता होगा। दूसरों के घर पे कब्जा करने का मन करता होगा। नेताओं को देखकर पीटने का दिल करता होगा। ओह नो। सौरभ। जी सर। इनको इमरजेंसी में लेके जाओ। अभी लाया सर। सिस्टर। जी सर। इंजेक्शन रेडी करो। कौन से? आलस माइसन, कामुक माइसन, भूख माइसन, पड़ोसन माइसन, कब्जा माइसन, लंगर माइसन, बिल माइसन, फास्ट फूड माइसन, बहाना माइसन, वो भी पूरे 20। डॉक्टर साहब, सभी इंजेक्शनों के डबल डोज इसके दोनों बम्बों में ठोक दें। ठोक दो।